या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल माही टिफिन्स अँड डायनिंग टेबल. आमचा पत्ता 7 रस्ता हुमा मेडिकल समोर. राईस प्लेट 60 रुपये आणि चिकन बिर्याणी फक्त 75 रुपये. एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा याल. 1 किलो वजन आता तो उन क्या करे 5 किलो का पैसा दे रहे मिलते. पैसा भी नहीं फुटा भी नहीं चल निकल बोल कर मेरे को दुकान में से अकल कर मारा. पहला एक मार कर फिर दुकान के बाहर अकाला. पैशाच्या कारणावरून युवकास मारहाण. गुडलक भंगार दुकानवाल्याचा प्रताप. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली अधिक माहिती अशी की यातील फिर्यादी रवी मुकेश बंबेवाले वय वर्ष 28 राहणार कुमठानाका महाराणा प्रताप नगर सोलापूर. हे दिनांक 26 मार्च सायंकाळच्या सुमारास सिद्धेश्वर पेठ लक्ष्मी मार्केटकडे जाणाऱ्या रोडवर असणारे गुडलक रद्दी डेपो या ठिकाणी त्यांच्याजवळील रद्दी विकण्यासाठी गेले असता गुडलक रद्दी डेपोचे मालक यांनी रद्दीचे कमी पैसे दिले. त्यावर यातील फिर्यादी रवी बंबेवाले यांनी कमी पैसे का दिलात असा जाब विचारले असता यातील आरोपी गुडलक भंगार दुकानचे मालक हे एवढेच पैसे देणार मी असे सांगून हाताने मारहाण केली व शिवीगाळ केली म्हणून गुडलक भंगार दुकानच्या मालकाविरोधात यातील फिर्यादी रवी मुकेश बंबेवाले यांनी फौजारचावडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून त्या अनुषंगाने फौजारचावडी पोलीस ठाण्यात भादवी कलम 323/504 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आले असून या संदर्भात पुढील तपास फौजारचावडी पोलीस ठाण्यातील पोलीस बदर शेट्टी हे करत आहेत. मेरे नाव रवी मुकेश बंबेवाले आहे. मैं फरशी काम करता हूँ. जो फरशी काम में जो कुट्टा बचा था तो मैं वो बेचने के लिए गया था. जो अपने लक्ष्मी मार्केट में गुडलक बोलकर दुकान है भंगार दुकान वहाँ पे गया था. तो उधर जाकर मैं वजन किए उनका वजन किए तो 6 किलो वजन हुआ था. 6 किलो वजन हुआ था तो उन क्या करे 5 किलो का पैसा दे रहे थे मेरे को. तो मैं बोला उनको 5 किलो का पैसा तुम कैसा क्या दे रहे. तो उन बोले उसके अंदर जो पट्टी वगैरह है जो बॉक्स की वो पट्टी वो निकल के 1.5 किलो पट्टी निकलता बोले. मैं बोला उनको पट्टी नहीं निकलता. फिर उन बोले फिर मैं निकालने लगा निकालो पट्टिया निकाल कर वजन करो. बोला उतना नहीं निकलता 1 किलो आधा किलो निकलेगा बोला मैं. तो निकालने के बाद में वजन हुआ 5 किलो 200 ग्राम वजन हुआ. तो 1.5 किलो पट्टा नहीं निकला. तो फिर उन जो उनकी बात थी उनकी बात में जो नहीं होने के बाद में गुस्से में आए. उन गुस्से में आकर मेरे को वापस तिकड़े बात की है चल निकल यहाँ से. मैं तो पैसा भी नहीं फुटा भी नहीं चल निकल बोल कर मेरे को दुकान में से अकाल कर मारा. पहला एक मार कर फिर दुकान के बाहर अकाला. फिर दुकान के बाहर अकाल कर फिर भी बाहर आकर भी मेरे को गाली दे रहा ये दे रहा. माँ बहन के ऊपर गाली दिया उन. फिर माँ बहन के ऊपर गाली देने फिर उसके कामगार थे तो उन पकड़ कर मेरे को बाहर लेकर गए तू यहाँ से निकल बोलकर. फिर भी मैं उनको बोला तुम ऐसी गाली मत दो ये मत दो. बोले तो फिर भी उन गाली दे तू क्या करता बे क्या करता तू जा किसको लेकर आने का लेकर आ. माँ बहन के ऊपर शिव देने लगा. फिर मैं उसको ज्यादा गाली नहीं दिया कुछ नहीं दिया. तू चुप बैठो गाली मत दे. मैं मस्तक फिर रहा था बोलकर भी बोला मैं उसको तू क्या. फिर उन्होंने क्या करा फिर मेरे को मारा ऐसा और मारने को आने का लगा. अभी आपकी मांग क्या है. अब मेरी मान है कि मेरे को जो मारेला है मेरे को सिर में मारा जो खाने में मार बैठा और मेरे गाड़ी का जो हैंडल लॉक है गाड़ी का चाबी जो लगाने का लॉक रहता है वो लॉक टूटा मेरा. वो चाबी उन्होंने निकाल कर खींच कर ऐसा जोर से निकाल कर लिया मेरे चाबी गाड़ी का लॉक खराब किया. फिर मेरे मानसिक टेंशन भी बहुत दिया उन. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा.